ये पौधा मैंने एडनियम का मंगवाया था ऑनलाइन, और ये मल्टी कलर ग्राफ्टिंग है, काफ़ी एक्सपेंसिव था। और मैंने इसे यहाँ सैंड वगैरह इसकी मिट्टी तैयार करके इसमें लगाया था, लेकिन कुछ दिन के बाद मुझे लगने लगा कि ये बहुत पिलपिला हो गया है। इसकी एक साइड की जो रूट है काफ़ी पिलपिली हो गई है, तो मैंने इसे ऐसे ऊपर से छिल कर देखा, ऐसा देख रहे हैं आप, तो मुझे कहीं से ब्लैक नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि फंगस के चांस तो कम हैं और पत्तियाँ भी इसकी सब हेल्दी हैं, लेकिन फिर भी इसका पिलपिलापन जा नहीं रहा है। तो इतना महंगा है तो मैंने सोचा इसका ज़रा से कट लगा कर देख लूँ कि कहीं कोई डाउट ना हो कि अंदर ही अंदर गल ना जाए, क्योंकि इसकी देखिए इसका कॉडेक्स कैसे बड़ा होगा, अगर मैंने कट मार दिया एक तरफ से तो इसकी शेप बिगड़ जाएगी, काट दिया करें। तो मैं इसको यहाँ पर काट कर देखती हूँ कि क्या सचमुच रूट रॉट हो रहा है या कुछ और गड़बड़ है। तो ये फ्रेश है, नहीं रूट रॉट बिल्कुल नहीं है, यानी कि इस पौधे को मुझे छोड़ देना चाहिए इसके हाल के ऊपर। इसको मैं ऐसे ही बंद कर दूंगी, अभी टेप लगा दूंगी, रूट रॉट बिल्कुल नहीं है। इसको मैं फ्रेश पॉट लाकर और सैंड के अंदर कुछ दिन इसको डालकर रखूंगी। इसका मतलब है कि इस पौधे को जो है पानी की कमी हो रही थी, और शायद और मैंने इसको साफ में डुबो के भी रखा था 4-5 घंटे के लिए, तो इसमें रूट रॉट बिल्कुल नहीं है। और सेकेंड वीडियो बनाकर आपको देखूंगी जब इसमें फूल आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।